السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما جرامي قدر حضرات دين وملي بايو بعزت ما اورغنو تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمين کے जो हम सबका की मुरबी और पालनहार है बाद वे बेशुमार और अनगिन तरदो सलाम नाज़िल नाजूँ जनाब अरबी महम्मदल्लाम्म जो हम सब के आखिरी नबी रसूल और पैगम्बर हैं और जिनके बाद क्यामत की सुबह तक इस कायन के अंदर कोई और नबी और रसूल बन के आने वाला नहीं है मोहतरम हाजरीन व हाजरात अमराब मुहर्रम के महीने से गुज़र रहे हैं हम ये चाहते हैं कि इस हवाले से किताब सुन्नत की रोशनी में कुछ बातें आप तक पहुंचा दी जाए क्यों क्योंकि ये महीना न्याय ही काबिल एहतराम वाला महीना है इस महीने का एहतराम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में न सिर्फ़ मुसलमान करते थे बल्कि मुसलमानों के अलावा वो लोग भी करते थे जिनका अल्लाह पर रसूल पर योम आखरत पर ईमान नहीं होता था यानी यानि मक्का भी इसका एहतराम करते थे तो मुसलमानों को तो इस महीने का और ज़्यादा अहतराम करना चाहिए और महीनों के मुकाबले में इस महीने का और ज़्यादा अहतराम करना चाहिए और इसमें हर किस्म के गुनाहों से बचे रहना चाहिए क्यों इसलिए कि अल्लाह आलमीन ने इसको मोहतरम वाला महीना आज कोई नया नहीं बनाया है बल्कि ये उस वक्त से बनाया है जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है तब से अल्लाह ने इस महीने को मोहतरम वाला बनाया है

काबिल एहतराम वाले हैं और ये उस वक्त से है जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया है अल्लाह ने बयान किया कि यही दीन क़रीम है यही दुरुस्त दीन है फला तजलों फी इन्ना अन्फु तो इसके अंदर ना करो इसके अंदर गुलाह का काम ना करो तो पता ये चला इस आयत करीमा से कि बारह महीने और ये उस वक्त से है जब से अल्लाह ने ज़मीन व आसमान को पैदा किया और फिर इन्हीं बारह में से चार महीने अश्रमिल एहतराम वाले बनाए और फिर इन्हीं चार महीने में एक महीना जिससे हम गुजर रहे हैं मोरूल का महीना अल्लाह ने क्या कहा कि फलत तस्लिम पीना इसके अंदर जुल्म ना करो इसके अंदर गुनाह का काम ना करो लेकिन हम देखते हैं आप भी देख देखते होंगे तजर्बा आपको हो होगा कि और महीनों के मुकाबले में मुसलमान इस महीने में और ज्यादा गुनाह का काम करता है अल्लाह ने बयान किया कि इस महीने में गुनाह मत करो अश्र में गुनाह मत करो लेकिन मुसलमान क्या करता है और महीनों के मुकाबले में इस महीने में और ज्यादा गुनाह का काम करता है गुनाह का ग्राफ और ज्यादा बढ़ा देता है ये बदकस्मती है मुसलमानों की फला तस्लिम फिर नकू इसके अंदर गुनाह का काम मत करो इसके अंदर जुल्म ना करो क्यों ना करो इसलिए कि जब बंदा गुनाह करता है ना जुल्म करता है तो अल्लाह इतना मेहरबान और इतना रहम वाला है लेकिन जब बंदा जुल्म करता है तो अल्लाह गैज़ गजब में आ जाता है अल्लाह की रहमत पर उसका गज़ब भारी पड़ जाता है फिर अल्लाह चाहे तो फौरन इंतकाम ले ले चाहे तो कुछ दिनों के लिए उसको मोहलत दे दे लेकिन बंदा जब जब इस रोय ज़मीन पर गुनाह का काम करता है तब तब अल्लाह गैज़ वज़म में आता है अल्लाह के नबी के हवाले से भी यही बात है आप कितने मेहरबान हो कितने मुश्फिक हैं उम्मत पर लेकिन जब कोई बंदा गुनाह का काम करता है अल्लाह की शरीयत और अल्लाह के हदूद और अल्लाह के क़ानून की पामाली करता है अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी करता है अल्लाह के हदूद को तोड़ता है अल्लाह के हकम को कुचलता है अल्लाह के नबीसात असलम के हवाले से आता है कि आप गुस्से से सुख हो जाया करते तक लाल पीले हो जाया करते थे क्यों इसलिए ना कि जब बंदा गुनाह का काम करता है तो अल्लाह ताला उसके दिल पर एक सियाह धब्बा लगा देता है अगर वो गुनाह के काम से रुक जाता है तो वो डब्बा अल्लाह ताला हटा देता है तोबा करता है रुक जाता है गुनाह ना करने का अजम कर लेता है और फिर कभी गुनाह नहीं करता है अल्लाह उस दब्बे को हटा देता है लेकिन अगर तोबा नहीं करता है गुनाह पर गुनाह करते जाता है तो वो दब्बा बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाता है कि उसके दिल को छा जाता है उसके दिल को छा जाता है इसी को रैन कहा गया है फजा लिखा वो रैन और अल्लाह ने इसका जिक्र कुरान के अंदर किया है कि कल्ला बल राना अलाबार बल राना अलाबुन अल्लाह ने लोगों के दिलों पर मार लगा दिया है क्यों इसलिए क्यों गुनाह का इरतक करते थे अब किसी के दिल पर अगर अल्लाह मार लगा दे किसी के दिल पर अगर अगर, अगर जंग चढ़ जाए गुनाहों से उसके दिल काले पड़ जाए तो फिर इंसान कुछ भी करे खैरात का काम करे सदका करे जक़ात दे रोजा रखे पंच वक्ता नमाजों का एहतमाम करे रात में उठ करके ताजुद की नमाज पढ़े कोई फायदा नहीं है क्योंकि उसके दिल पर सियाल डब्बे लग चुके हैं उसका दिल काला पड़ चुका है उसके दिल पर गुनाहों के आमजिश की वजह से उसके दिल में शरीयत जगह नहीं बना पाती है शरीयत की जो तालीम है कुरान सुन्नत की जो तालीमत है उसके दिल में जगह नहीं बना पाती है जो उसके उसका दिल छाया हुआ है गुनाहों से उसके दिल पर जंग लगा हुआ है उसका दिल उसके दिल पर महर लग गया है बिल्कुल काला हो चुका है कोई फायदा नहीं है इसलिए इंसान को डरते रहना चाहिए और सबसे बड़ा नुकसान इसका यह है कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी की मीशत को और माश को सब तंग कर देता है बुलाऊ क्यों से अल्लाह ने बयान किया कि जो अल्लाह के हुक्मों से जो लोग एराज करते हैं जो अल्लाह की बातों को नहीं मानते हैं ना अल्लाह उनकी ज़िंदगी को तंग कर देता है आज दुनिया में देखें कितने लोग अपने अपनी तकलीफ़ों का शिकवा करते हैं अपनी परेशानियों की शिकायतें करते हैं समाज के अंदर बहुत सारे ऐसे आप मिलेंगे आपको कभी हमने गौर किया है कि ऐसा क्यों होता है अल्लाह ने बयान किया कि जिक्री है कि जो अल्लाह के हकमों की, की ख़िलाफ़ वर्जी करेगा जो अल्लाह के हकमों को नहीं मानेगा अल्लाह उसकी मीशत को अल्लाह उसकी माश को तंग कर देगा उसकी ज़िंदगी को तंग कर देगा इसीलिए हमें इसके बारे में हसास रहना चाहिए ठीक है हमसे गुनाह का काम ना हो गुनाहों तो की वजह से नेमतें भी अल्लाह ताला छीन लेता है बंदे को जो नेमतें देता है ना अगर बंदा गुनाह का काम करता है तो अल्लाह उस नेमत को छीन लेता है हजरत अलैहिस्सलाम को देखे हजरत आदम ने कोई माजल्ला गुनाह का काम नहीं किया था कोई तो गुनाह का काम नहीं किया था जानबूझ करके नहीं किया था उनसे गलती हो गई थी अल्लाह ने कहा था ना कि जन्नत में रहो और मजे से खाओ पियो लेकिन उस दरख्त के करीब मत जाना उस दरख्त के करीब मत जाना फाद शैतान अल्लाह ने बयान किया वला फतकून मत जाना में से हो जाएंगे शैफान शैतान ने गुमराह कर दिया इनको राह से भटका दिया फिर ये दोनों जन्नत से निकाल दिए गए आप आप हम और, हम और आप समझाते हैं कि जन्नत कितनी अजीम नेमत है जो तो बंदे को मिलेगी कितनी अजीम नेमत है जन्नत हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत मिल रही थी अल्लाह ने दिया था किसी में रहो लेकिन माज एक गलती की वजह से हजरत आदम और होवा को जन्नत से बाहर कर दिया गया शैतान शैतान ने बहकाया ये दोनों फल खा गए और इस तरीके से फिर इसके नतीजे में जन्नत से निकाल दिए गए तो गुनाह का काम करने की वजह से गलती करने की वजह से नेमतें भी छीन जाती हैं ये तो जान बूझ करके इन्होंने गलती नहीं की थी गुनाह का काम नहीं किया था फिर ये नियमत छीन गई इतनी बड़ी कि या हम और आप तो गुनाहों पर गुनाह करते रहते हैं जानबूझ करके गुनाह करते हैं हमको ये पता है कि ये चीज़ गलत है मगर फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं हमको पता है कि ये चीज़ हराम है मगर फिर भी उसको इस्तेमाल करते हैं ये अल्लाह का एक तरह से रहमोख करम है कि उसने हमको मोहलत दिया है मौलत इसलिए दिया है कि हम अपनी असलाह कर लें मौलत इसलिए दिया है कि हम अपनी असलाह कर लें अगर अगर अल्लाह के इस दिए हुए मोहलत से हमने फ़ायदा ना उठाया तो अल्लाह की मार जब पड़ेगी तो कोई शख्स बचा नहीं सकता है कोई भी बचा नहीं सकता दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती है इसलिए हमें हसास रहना चाहिए और इसका अंजाम भी बहुत बुरा होता है गुनाहों का अंजाम बहुत बुरा होता है अल्लाह ने क़ुरान के अंदर मुख्तलिफ पैरा से समझाया है मुख्तलिफ तरीकों से समझाया है मिसालें दे करके समझाया समझा है क्यों समझाया है ताकि लोग सुधर जाए इतना समझाने की क्या जरूरत थी अल्लाह तला को मगर समझाया है, है। इसलिए समझाया है कि अल्लाह अपने बंदों पर बहुत ज्यादा मेहरबान है मिसालों के जरिए से समझाया है एक जगह मिसाल देते हुए कहा अलम योरुकुम मालिकना मिन क़ब्लि मिन क़रन मक्कनाहु फील अर्ज़ मालम नू रवकिल लकुम की याद रखो तुमसे पहले के लोग जो थे ना दुनिया के अंदर बहुत बड़ी ताकतवर के मालिक थे बहुत बड़ी ताकत थी उनके पास قوت थी जिस्मानी قوت थी माली ताकत थी हरएतबार से हमने जमीन में उनको एस्टेब्लिश कर दिया था वो बहुत ऊंचे पर थे बड़ी बड़ी इमारतें बड़े बड़े महल्ला बना करके रहते थे जिसमानी अतबार से बहुत जबरदस्त ताकत और कवत के मालिक थे अल्लाह ने क्या कहा के बात के लोग ऐसा नहीं हो सकते इतनी जबरदस्त पावर इतनी जबरदस्त ताकत वाले थे इतनी जबरदस्त इमारतों उची -उची और महल्लात के ऊंचे ऊंचे महल्लात और बिल्डिंगे बनाने वाले थे उस जमाने में और उसमें रहते थे खुश आयशो आराम से कि बात के लोग अल्लाह ने खुद कहा बात के लोग ऐसा नहीं कर सकते हैं बात के लोग ना उस तरह से बना सकते हैं ना बात के लोगों में उस तरह से जिसमानी ताकत तो और कोत हो सकती है लेकिन क्या हुआ पालनाम में झुलम बहम उनके गुनाहों तो की वजह से हमने उनको सफ़े हस्ती से मिटा दिया बर्बाद कर दिया उनको दुनिया से उनक, उनका खात्मा कर दिया गुनाहों तो की वजह से पालनाम में हमने उनके गुनाहों के पादाश में उनके गुनाहों के नतीजे में हमने उनको बर्बाद कर दिया तबाह कर दिया हरात कर दिया दिन वह ना नाहरीन और उनकी जगह पर हम दूसरी जमातों को लेकर आ गए उनकी जगह पर हम दूसरी कौम को लेकर के आए तो अल्लाह का ये वसूल और अल्लाह का दस्तूर अब भी बाकी है आज के जमाने में, में भी बाकी है लेकिन शक्लें अलग है पहले जमाने में अल्लाह अल्लाह को बर्बाद करता था आजियों के जरिए से तूफानों के जरिए से और मुख्तलिफ किस्म मुख्तलिफ किस्म के जरिये से अल्लाह तलाये से बर्बाद करता था उनको लेकिन आज के ज़माने में अल्लाह मुख्तलिफ तरह से आज भी बर्बाद करता है कभी जजलों के जरिए से कभी हादसा के जरिए से कभी सैलाब के जरिए से क्या अल्लाह का अजाब नहीं है कभी तूफान के जरिए से अजाब आज भी आता है शक्लें अलग हैं तो गुना से अल्लाह रबूल ने कहा था फला तस्लिम को सकून ये जो असुर है ना काबिल एहतराम वाले महीने जिसमें महीना भी चल रहा है मोरमल आराम अल्ला का अल्लाह ने कहा याद रखो मत करना गुनाह का काम मत करना लेकिन मुसलमान और ज्यादा इस महीने के अंदर गुनाह का काम करता है कैसे ध्यान से सुनिए आप देखें मजलिसें बाकायदा लगाई जाती हैं इस महीने की शुरुआत पहली तारीख से लेकर दस तारीख तक क्या लगाई जाती है स्टेज लगाए जाते हैं मजलिस मुनद की जाती हैं और इसमें तकरीर करते हैं आते हैं और इस तरीके से तकरीरें है करते हैं तकरीरों में क्या करते हैं सहाबा को उगालियां देते हैं माजल्ला साहबा को उगालियां देते हैं आप जानते हैं शिया दुनिया के अंदर एक प्रपा है एक जमात है जिसको दुनिया के लोग मुसलमान मानते हैं शिया को लोग मुसलमान मानते हैं हालांकि आप गौर करें कि जो साहबा को मुसलमान ना माने उसको मुसलमान कैसे मुसलमान मान सकता है शिया सहाबा को मुसलमान नहीं मानते हैं सिर्फ तीन या पांच साहबा को मानते हैं बस और किसी भी साहबे को मुसलमान नहीं मानते हैं हालांकि कितने साहबा थे आपको पता है लाखों से भी ज्यादा थे। फतेह मक्का के मौके पर एक लाख चौदह हजार या एक लाख पंद्रह हजार साहबा मौजूद थे उन एक लाख चौदह हजार या एक लाख पंद्रह हजार साहबा को ये शी रिजेक्ट कर रहे हैं बोलते वो मुसलमान ही नहीं इस्लाम से खारिज हो गए थे माजल्ला अब बताइए दीन हम तक कैसे पहुंचा है साहबा के जरिए से पहुंचा है ना यानी रसोल्ला वसलम के ऊपर वही नाजिल होती थी शरीर उतरती थी और साहबा उसको सीखते थे फिर उसको सिखाते थे दूसरों को अगर साहबा की जिंदगी को शक के दायरे में ला लिया जाए तो फिर इस्लाम पूरी तरह से शक के दायरे में आ जाएगा शी लोग कहते हैं कि साहबा में सिर्फ दो तीन लोग थे मुसलमान बाकी सारे के सारे माज इस्लाम से हट गए थे और फिर हम लोग उनको मुसलमान मानते हैं साहबा को जो मुसलमान ना माने उसको कैसे मुसलमान मान सकते हैं और आपको पता है अल्लाह के नबी सलात ने साहबा के हवाले से क्या कहा है कुरान ने क्या कहा है साहबा के हवाले से अल्लाह ने कुरान के अंदर फैसला सुनाया रजी अल्लाह से राजी हो गया और साहबा अल्लाह से राजी हो गए अल्लाह ने फैसला सुना दिया फिर किस मुंह से हम किसी को बुरा भला कहेंगे जब अल्लाह ने फैसला सुना दिया तो और फिर अल्लाह ने किस कदर तारीफ बयान की है वह रसोल्ला

इस साहबा की तारीफ कौन कर रहा है कोई मुसलमान कर रहा है अल्लाह बयान कर रहा है कुरान के अंदर रुक क्या सजेंगे तो रुको सजदे में रहते हैं अल्लाह के फजल को तलाश करते हैं और उनके माथे पर उनकी पेशानियों पर सजदे के निशानात पड़े हैं इनकी तारीफ सिर्फ शरीयत शरीयत मोहम्मद ए में नहीं की गई बल्कि इनकी तारीफ पहले की किताबों में भी की गई है रात में भी इनकी तारीफ मौजूद है भी इनकी तारीफ मौजूद है इस सहाबा की अल्लाह तारीफ कर रहा है और फिर और क्या तारीफ किया अल्लाह ने लकताबल्लामुआजरी लकता बल्ला नबी वलम आजरीनसार अल्लाह ने नबी पर तोजो फरमायी अल्लाह ने महाजरीन पर तोज् फरमाई अल्लाह ने पर तो फरमायी यानी नबी के साथ सहाबा के को तोड़ दिया है नबी के साथ अल्लाह ने को जोड़ दिया है अनसार और महाजरीन कौन है साहबा है ना महाजरीन मक्का से जो हिजरत करके मदीना गए थे मुसलमान और फिर मदीना के मुसलमानों ने इनकी जो मदद की थी तो ये अनसार कहलाए मदीना के मुसलमान मक्का के मुसलमान महाजरीन कहलाए अल्लाह ने दोनों का जिक्र किया है कुरान के अंदर अब ये लोग पता नहीं कुरान मानते हैं नहीं मानते हैं अल्लाह आलम लेकिन कुरान के अंदर कितने सबूत हैं सहाबा के हवाले से लेकिन ये लोग मानते नहीं और फिर अल्लाह के नबी सलाम ने क्या कहा है सहाबा के हवाले से आपको पता है आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो अल्लाह की कसम है अगर किसी सहाबी ने एक छटाक या आधा छटाक अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च किया है ना बात के लोग अगर वो पहाड़ के बराबर सोना भी खर्च कर दें तो इस एक छटा के आध छटाक के सवाब को नहीं पहुंच सकते बिन उमर तआला रजील्लामा फरमाया करते थे लोगों नबी सल्लम के साथियों को बुरा मत कहो अल्लाह की कसम है अगर किसी एक शादी ने एक लम्हा नबी के साथ गुजारा है बात के लोग अगर पूरी जिंदगी में गुजार दें तो भी इस एक लमहे के सवाब को नहीं पहुँच सकते इस सहाबा कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लम ने खुद फरमाया है कि सहाबा को बुरा मत कहो जो सहाबा को बुरा कहता है इस पर अल्लाह की लानतें की लानालतें पूरी कायनात के इंसानों की लानतें बरसती हैं फिर शिया हजरा शिया हजरा किस तरह से गालियां देते हैं इस तरह से बुरा भला कहते हैं आपको पता है इनका अकीदा है और मादा बयान भी करते हैं मैं सिर्फ किताबों की बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं सुन करके उनके उलमा की बातों को सुनकर बयान कर रहा हूं ये कहते हैं कि अगर हमारी हुकूमत आ गई दुनिया के अंदर तो सबसे पहले अबू बकर उमर फारूक उस्मान गनी इनको निकाल करके हम सोने पर लटकाएंगे इनकी लाश को निकाल करके हम सोने पर लटकाएंगे इनको खत्म करेंगे इनको तबाह करेंगे माजल्ला ये कौन कहते हैं इस शिया का सबसे बड़ा इमाम कहता है शिया जिस इमाम के पीछे चलते हैं ना उनका इमाम ये कहता है कहता है ये कौन है अबू बकर सिद्दीक रज इन्होंने सबसे पहले इस्लाम को पबूल किया है जब सारे लोग इस्लाम को झुठला रहे थे तो अबू बकर इस्लाम की तस्दीक कर रहे थे इस्लाम की हकीकत को मनवा रहे थे अबू बकर कौन है वो तो वो बकर बकरी जिसके हवाले से नबीत ने फ़रमायाब बकर दुनिया के तमाम हिंसानों के एहसानों का बदला मैंने चुका दिया है लेकिन आपके एहसान का बदला मैं नहीं चुका सकता हूँ इतनी ज्यादा एहसान है मेरे ऊपर और इस्लाम के ऊपर कौन है अब बकर सदीक रतन

और उम्र फारूक रजील् तला को इस्लाम लाने के लिए मांगा जा रहा है अल्लाह से अल्लाह तोफ़ी दे दे उमर फ़ारूक को कि इस्लाम कबुल कर लें वाह अल्लाह के नबी की दुआ कबुल उमर इस्लाम कबुल कर लिए और फिर किस तरह से इस्लाम के हवाले से इस्लाम की किस तरह से उन्होंने खिदमत की और क्या मकाम दिया अल्लाह ने अल्लाह के नबीलाम बयान करते हैं कि मैं एक बार मुझे जन्नत दिखलाई गई एक बार मुझे जन्नत दिखलाई गई मैं उसके अंदर एक खुजरा देखा एक रूम देखा वहां से बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही थी मैंने अपने कदम को आगे बढ़ाया कि इसके अंदर दाखिल हो जाऊं लेकिन बताया गया कि उम्र फारूक रजील्ला का उजरा है जन्नत के अंदर बाताना बतलाया गया आपसलात को कि उम्र फारूक का उजरा है अल्लाह के नबी नबीसलातलम अपने कदम को बाहर निकाल लिए दाखिल करना चाहते थे लेकिन दाखिल नहीं कर सके जब आकर के हेत उमर फारूक से बतलाते हैं कि तो उम्र फारूक अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस तरह से जन्नत के अंदर महल तैयार करके रखा है और बहुत ज़बरदस्त आवाज़ जो खुशबू आ रही है मैं चाह जो मैं दाखिल हो जाऊँ लेकिन तुम्हारी गैरत ने मुझे दाखिल नहीं दिया दाखिल नहीं होने दिया ऐसे उम्र फ़ारूक जारो कतार रोने लगे ये उम्र फ़ारूक फ़िल्ल तुम जिन्होंने किस तरह से इस्लाम की खिदमत की है इस्लाम की खिदमत करते करते अपनी जान को गंवा दी है ये शीह कहते हैं कि जब हमारी हुकूमत आएगी जब हम गलबे में आएंगे तो इनकी कब्र से इनको निकालेंगे और इस तरीके से इनको पर कौन है कहा जाता है। करीम ने अपनी दो बेटियों से शादी इनसे की और जब एक बात देख रहे एक एक करके दोनों मर गई इंतकाल कर गई तो आकर के तसली देते हुए अल्लाह के नबीसलास्लाम ने कहा था कि उस्मान गल ना करो उस्मान गम न करो अल्लाह की कसम है अगर मेरे पास और बेटियां होती चालीस बेटियां होती एक एक करके मैं आपको देते जाता एक एक करके मैं आपको देते जाता रजल्ला तो के हवाले से अल्लाह के नबीत असलाम ने एक बार कहा था कि उस्मान इसके बाद से अगर कोई तुम नेकी का काम ना करो तो भी जन्नत में जाने से तुमको कोई चीज रोक नहीं सकती किसी इंसान के लिए अल्लाह के नबी ने इस तरह की बात नहीं की क्या था उस्मान के लिए आज के बाद से अगर कोई अच्छा काम तुम नहीं करो तो भी जन्नत में जाने से तुमको कोई रोक नहीं सकता है कई बार जन्नत की बशारत दिया अल्लाह के नबी ने सलाम ने कब तात आई है अल्लाह के नबी ने उनके लिए कि कोई नेक का काम ना करो नेकी का काम ना करो तो भी जन्नत में जाओगे अल्लाह के नबी सलातम ने एक बार सवारी के लिए ताउन का ऐलान किया किसी गजबे में जाने के लिए अल्लाह के नबी सलाम ने ऐलान किया कि सवारियां लग रही हैं कौन है जो अल्लाह के रास्ते में सवारियां दे और मैं अल्लाह नबी उसे जन्नत की बशारन देता हूँ उस्मान ने सऊट दे दिए फिर अल्लाह के नबी सला ने ऐलान किया कौन है जो अल्लाह के रास्ते में सवारियां दे मैं उसके लिए जन्नत की देता हूं। उस्मान ऊट फिर ले आए सात बार ऐलान किया सातों बार आयत उस्मानी रजी तुम सौ सौ उठनियों को लेकर के नबी के कदमों में हाजिर कर दिए अल्लाह के नबी नबीम ने मंजर देखा ये मंजर देखा कोई भी ये मंजर देखेगा तो बहुत ज्यादा रोने के मूड में आ जाएगा या उसको खुद ना खुद कहीं ना कहीं से उसको रोना आ जाएगा अल्लाह के नबीत तो असल्लाम के साथ दिए हुआ सात सौ उठनी एक ही ऐलान पर अल्लाह के नबी तो सलाम के कदमों में ला करके डाल दिए अल्लाह के नबी ने वैसे ही मौके पर कहा था कि उस्मान आज के बाद से अगर कोई नेक काम ना करो तो भी तुम्हारी नेकियाँ इस कदर काफ़ी होंगी इस कदर के फायद करेंगी तुम्हारे लिए तो जन्नत में जाने से मना नहीं कर सकती रोक नहीं सकती इन्हें उस्मान के हवाले से कहा जा रहा है जब हमारी हुकूमत आएगी तो इनको इनकी खबर से निकाल करके हम इनको सुनी देंगे कौन है उस्मान गिर तआला तुम ये कहते हैं कि अल्लाह के नबी सलात से अल्लाह के नबी सलात से जब मैंने बैयत की जब से मैंने बैयत की है ये कहते हैं कि मैंने अपने दायने को कभी अपनी शर्मगाह को टच नहीं दिया है कोई तो मामूली वफफा नहीं है कई सालों का वकफा है कहते हैं कि कभी भी अपने हाथ को मैं अपने किसी भी अगले शरमगा या पिछली शर्मगा को लगाया नहीं है यानी इस कदर एहतराम था इस्लाम का शरीयत का और रसोल्लाम का इस कदर मोहब्बत करते थे ये कि उनका हाथ नबी के हाथ में चला गया है ना अब इस हाथ को हम खराब जगह पर कैसे इस्तेमाल करें हालांकि वो हमारे जिसम का एक हिस्सा है लेकिन ये कहते हैं, हमने कभी अपने हाथ को टच नहीं किया कितनी अजीम शख्सियात हैं इस्लाम के अंदर जरिए से इस्लाम पला बड़ा है जिन इन, जिनके जरिए से इस्लाम इस दुनिया के अंदर फैला है जब जब जिस चीज की जरूरत पड़ी इन लोगों ने अपना सब कुछ अल्लाह के रास्ते में कुर्बान कर दिया है वो वाकई मशहूर है ना एक बार अल्लाह के नबी ने ऐलान किया कि फला पर फला के लिए ताउन कीजिए फारूक रजील के पास बहुत कुछ कहीं से कुछ सरमाया आया था उन्होंने उस सरमाए को दो हिस्से किए एक नबी के कदमों में ला लिये एक अपने घर पे रख लिया आधा हिस्सा घर पे रख लिया हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने घर के पूरे असासे को लेकर के नबी के कदमों में डाल दिए नबी के पास लेकर के चले गए अल्लाह के नबी वम ने पूछा उमर क्या लाए हो उमर ने कहा अल्लाह रसूल मेरे पास जो कुछ बीमार था मैंने दो हिस्से किए एक अपने बच्चों के लिए रख लिया एक आपके लिए ले आए आपके ऐलान पर यहाँ लेकर आ गए हजरत अबू बकर से पूछा के अबू बकर तुम क्या लाए हो अबू का तो सिद्दीक ने कहा कि अल्लाह के नबी तबी साम मेरे घर में जो कुछ भी माल था सब उठा मोटातन किया आपके पास लेकर दे चले है घर के लिए क्या छोड़ा है बस आपकी मोहब्बत मैं अर्ज यह करना चाहता हूँ कि कैसी शख्सियात थी इस्लाम के अंदर आज इन्हीं शख्सियात को दामदार किया जा रहा है इन्हीं शख्सियात के हवाले से कहा जा रहा है कि ये मतमद अल नहीं है ये काबिल एतमाद वाले नहीं है काबिल भरोसेमंद नहीं है इन पर भरोसा नहीं करना चाहिए अगर इन पे भरोसा ना करें तो किस पे भरोसा किया जाए तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जाए शिओ तुम्हारे ऊपर भरोसा किया जाए कि तुम्हारे दीन के अंदर झूठ बोलना एक बहुत बड़ा इबादत समझा गया है इबादत माना गया है तुम्हें भाइयों में अर्ग यह करना चाहता हूं कि अल्लाह ने कहा ना कि फलमू पे इन नकुम इसके अंदर जिल ना करो इसके अंदर गुनाह का काम ना करो लेकिन तुम स्टेजें लगाते हो तुम वजह से सजाते हो साहबा को गालियां देने के लिए को बुरा भला कहने के लिए साहबा को बुरा मतलब बुरा मतलब क्या है इस्लाम में बुरा या इस्लाम में गाली देना इसका मतलब ही नहीं जिसे लोग बाजारी गालियां देते हैं इस्लाम में जहां कहीं भी गाली का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब ये है आदमी को बुरा कहना आदमी को बुरा कहना और बुरा किसी भी तरह से हो सकता है तो अल्लाह के नबी सात ने क्या कहा है सहाबा को बुरा मत कहो साहबा को अगर गुरा कहोगे ना तो पूरी कायनात वालों की लानतें बरसेंगी लेकिन मैं ये कह रहा था कि बदकस्मती से देखिए ये मुसलमान जो दूसरे अपने आप को सुन्नी मुसलमान है ना ये सुन्नी मुसलमान भी शियों की देखी देखा दो तीन साहबा को गुरा कहते हैं जिनमें आते हैं मेरे माविया रजील्ल्ला तलाम वगैरह मेरी शोभा रजिल्ल तू है इनको बाकायदा ऐलान करते हैं इनके हवाले से कि ये गलती पर थे ये ठेठ जाहली पर थे इन्होंने गुनाह का काम किया है भाई आप कितने बड़े मकाम पर पहुंच गए कि आप एक सहाबी को बुरा कह रहे हैं आपकी जुबान कितनी मुबारक और कितनी पाकिदा है कि आप एक सहाबी को बुरा कह रहे हैं है। इनके बारे में कुरान ने ऐलान कर दिया है कि रजी अल्लाह अनु और ये अल्लाह से राजी हो गए और अल्लाह इनसे राजी हो गया कुरान ने बाकायदा ऐलान किया है नबी ने ऐलान किया है कि मेरे सहाबा को बुरा मत कहो नबी के साथियों ने बाकायदा साहबा के हवाले से कहा है कि ये कुछ बुरा मत कहो तो क्यों आप बुरा कहते हो आप आप ईमान में इस कदर मजबूत हो गए हो कि साहबे पर लग, कुछ करो साहबा के हवाले से कुछ बोलो आपका ईमान इस कदर मजबूत तो नहीं हुआ है पता नहीं आप पंचवक्ता नमाजें पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो पता नहीं शरीयत के मुताबिक आप नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो पता नहीं शरीयत कि तालीमत आपके घर में दाखिल है या नहीं है पता नहीं आप हलाल और आराम की तमीज़ कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं चले हैं सहाबी के हवाले से लाभ पुशाई करने सहाबी की जिंदगी पर लभ पुशाई करने के लिए सहाबी की जिंदगी को मशकूक बनाने के लिए सहाबा के हवाले से ये बहस करने के लिए कि कौन अकबर था कौन गैर अकबर था कौन होते हैं आप करने वाले मेरे माविया आप पता है कि मेरे माविया कौन थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिश्तेदार थे की, कुरान जब उतरता था वही की शक्ल में जब पुरानी तालीमत उतरनी थी तो ऐसे मेरे माविया लिखते थे बात कात वही थे अगर मेरे माविया को तुम दागदार बना दोगे मेरे माविया को तुम गलत ठहरा दोगे तो फिर कुरान को भी माजल्ला तुमको गलत ठहराना होगा तो क्योंकि कुरान की आयत को मेरे माविया लिखते थे अब मेरे माविया जब गलत ठहरे मेरे माविया जब काबिल भरोसा नहीं ठहरे तो कुरान भी माजल्ला काबिल भरोसा नहीं ठहरेगा अल्लाह के नबी सलात उसम ने बात दुआ की है मेरे माविया के लिए अल्लाह के नबी सलाम ने स्पेशल कहा है कि अल्लाह तो मेरे माविया को हिदायत पर चलने वाला बना दे और हिदायत का जरिया भी बना दे कि के नबी ने माविया के लिए दुआ की है और मौरखीन लिखते हैं अल्लाह की कसम मौरखी लिखते हैं सही तारीख के अंदर की अमेरिके माविया के जमाने में जिस तरह से इस्लाम की खिदमत हुई पहले के साहबा के जमाने में उतनी खिदमत नहीं हुई है क्योंकि इनको बहुत ज्यादा वक्त मिला था और ये हमेशा से कहीं ना कहीं किसी ना किसी मसनत पर रहे जैसे बोरे फारूक के ज़माने में क्या थे ये गवर्नर थे ना ये शाम के गवर्नर थे उस वक्त दुनिया का सबसे मालदार मुल्क शाम उसके गवर्नर थे उस्माने के जमाने खिलाफत में भी ये गवर्नर थे और मेरे माविया को बुरा भला कहते हो हलते उमर फारूक रजिल्ला से ज्यादा होशियार हो गए होल्त ऊस्मान गनी रजिल्ला से ज्यादा होशियार हो गए हो अगर अमीर माविया की गलती थी तो इन दोनों ने क्यों गोर गोल बनाया था इनको गायर बात नहीं बनाते तो मेरे भाई मेरे भाईओ में कहना ये चाहता हूँ कि बहुत सारे सुन्नी मुसलमान अपने आप को जो तो कहते हैं न वो भी शिव की देखा देखी में इनको बुरा भला कहने लगे किसी एक सहाबी को बुरा बोलो या कई साहबी को बुरा बोलो बुरा तो बुरा ही होता है ना तो इस महीने के अंदर अल्लाह ने बयान किया कि फला तस्लिमों के इन अनफुस इसके अंदर अपने आप पर जुल्म ना करो गुनाह का काम मत करो लेकिन दुनिया का मुसलमान सहाबा को निशाना बना करके सहाबा को जुल्म सितम का निशाना बना करके सहाबा के हवाले से शक व शुबा पैदा करके इस महीने के अंदर और महीने के मुकाबले में गुनाह का काम करता है तो इस महीने में गुनाह का काम मत किया जाए अल्लाह के नबी सलाम ने बयान किया है और ख़ुद इस्लाम ने बयान किया है अल्लाह तो अल्लाहमिन ने खुद कहा है इसी तरीके से इस महीने के अंदर एक गुनाह का काम और क्या किया जाता है हम सब जानते हैं नोहा और मातम करते हैं लोग नोहा और मातम करते हैं इस्लाम का कोई हिस्सा नहीं है शरीयत का कोई हिस्सा नहीं है नोह और मातम तो जात के लोग करते थे वो लोग करते थे जिनका ईमान नहीं होता था अल्लाह पर जिनका ईमान नहीं होता था रसूल पर जिनका ईमान नहीं होता था योम आखरत पर वो लोग इस तरह का काम करते थे अगर आज का कोई मुसलमान करता है उस तरह का काम तो उसे मुसलमान नहीं माना जाएगा शरीयत की निगाह में आप देख लें कितने लोग शरीयत के दायरे से हटे हुए हैं नो और मातम करते हैं अल्लाह के नबी सलास्लम ने कहा था कि अरब अरब की उम्मत अमरे जाहिलिया चार चीजें हैं जो मेरी उम्मत के लोग करेंगे उम्मत के कुछ लोग करेंगे चार चीजें इनमें से एक बयान किया था आप सलाम ने अहसाब और रसब के बारे में फखर करेंगे और रसब के बारे में सैद हो मैं खान हो मैं पठान हूं तुम अंसारी हो तुम फला हो तुम फलाँ हो कि जाहलीत के कबील से लेकिन लोग गैर शौरी तौर पर इसको करते रहते हैं उनको पता नहीं कितना बड़ा गुनाह है लेकिन करते रहते हैं समाज माशरे के अंदर बोलते रहते हैं एक दूसरे को अल्लाह के नबी वसल्लम ने क्या दहाई जाहिलियत के कबील से अगर जाहिलियत वाला काम करते हुए कोई मरता है तो फिर उसके उसकी जिंदगी का उस जिंदगी का क्या बनेगा जो इसके बाद मिलने वाली अगर किसी की वफात इस्लाम पर होती है तब तो हम कह सकते हैं कि अल्लाह ताला उसको खुशियों में रखेगा अजीम नेमतों से अमकिनार करेगा लेकिन जिसकी मौत जाहिलियत पर होगी उसका क्या होगा तो अल्लाह के नबी आई सलात ने कहा कि मेरी उम्मत के अंदर चार 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 तरह की चीज़ें पाई जाएंगी और मेरी उम्मत को लोग उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे एक पहला क्या कहा है नसब के बारे में लोग फख्र करेंगे इसी तरीके से दूसरा बयान किया कि वत्ता नफिलसाब नसब के बारे में एक दूसरे को ताना देंगे इसी तरीके से तीसरा कहा वल बिन इसका बिन इसका दो माना बयान किया गया है एक हतेनिया बता करके किस्मतों के हाल मालूम करेंगे मेरी उम्मत में कुछ लोग और ऐसा है भी आज बहुत सारे लोग मालूम करते हैं हथेलियाँ दिखा करके किस्मतों का हाल मालूम करते हैं कितना बड़ा गुनाह है इस्लाम के अंदर आपको पता है अगर कोई शख्स हथैलियाँ बता करके अपनी किस्मतों का हाल मालूम करे अल्लाह के नबीसलात उम फरमाते हैं कि वो शरीयत का मुमकिन है उस चीज़ का मुंकिन है जिसे नबी पर नाजिल की गई यानी कुरान का मुंकिन है इस्लाम का मुंकिन है और अगर किसी ने मजाकन बताया अपने हतीली को अल्लाह के नबी नबीसलासलाम फरमाते हैं चालीस दिन तक कोई इबादत उसकी कबूल नहीं होती है तो एक माना यह बयान किया गया है दूसरा माना यह बयान किया गया है कि सितारों को देख करके तारों को देख करके किस्मतों का हाल मालूम करना बारिश तलब करना आज ऐसे भी बहुत सारे समाज के अंदर चल रहे हैं मुसलमानों में बहुत सारे ये जो सितारे और तैयारों के नाम है ना सितारे और सैारों के जो नाम है अतारो अतार जमरूद और पता नहीं क्या क्या इसके जरिए से पता नहीं क्या क्या वो तय करते हैं ये है लगा हुआ है तो ये काम हो जाएगा हतारत लगा है तो ये काम हो जाएगा मरीख है तो ये काम हो जाएगा पता नहीं इससे सब तय करते हैं अपनी जिंदगी के फैसले लेते हैं माताल्ला कितना, कितना बड़ा गुनाह है कितना बड़ा जुल्म है, है कि अल्लाह के रबीत ने फरमाया कि जात केबील से है और ऐसे लोग अगर दुनिया से वफात पाते हैं तो इस्लाम पर वफात नहीं पाएंगे जाहलीत की मौत मरेंगे और फिर जाहलीत की मौत जो बंदा मरता है उस, उसके उसके लिए मरने के वक्त से तकलीफें शुरू हो जाती हैं मौत के वक्त से ये तकलीफें शुरू हो जाती हैं फिर उसका ठिकाना सिवाय जानने तो और कुछ नहीं हो सकता है इसलिए हदसा रहिए इसे मामूली मत समझिए मजाक के तौर पर मत रहिए सीरियस हो जाइए इस मसले के हवाले से तो लोग ऐसा करते हैं इस महीने के अंदर नोहा और मातम करते हैं नोहा के हवाले से अल्लाह के नबीम फरमाते हैं तीन हो गया ना चौथा नोहा नौहा के बारे में अल्लाह के नबी सला फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स या कोई और बगैर तोबा के मर गई या बगैर तोबा तो 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 के मर गया तो उसे खारिश का लिबास पहनाया जाएगा जहन्नम का लिबास पहनाया जाएगा मामूली मामूली सजा ये अल्लाह के नबी सलाम फरमाते हैं कि अगर नो कोई करने वाला मर्द या नो करने वाली औरत तो करने से पहले मौत तोबा से पहले अगर मर गए तोबा नहीं किया और उनकी मौत आ गई तो आप सलात फरमाते हैं क्यामत तो के रोज जब ये उठाए जाएंगे तो इनके जिसमों पर जहलम का लिबास होगा इनके जिसमों पर खारिश जदा लिबास होगा खुजलाते खुजलाते यहाँ खुजलाते थे ना दुनिया के अंदर नोहा मातुन करते हैं एक तरह से अपने आप को परेशान करते हैं ना वहां भी खुजली का आदाब दिया जाएगा सही रिवायत ये तो नोहा और मातुन करना इस्लाम के अंदर पूरी तरह से मना है अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि नबीत मल खुदूद वो शख्स हमें से नहीं है वो औरत से नहीं है जो अपने गिरिबान को चाके चाक करे या इस तरीके से अपने रुखसार पर थप्पड़ मारे या जाहलीत की तरह से रहना चाहे वो हम में से नहीं है वो हमारी उम्मत से नहीं है मल खुदूद जो अपने गिरबान को मारे वो शक्ल जयूब और अपने गिर और अपने जेबों को फाड़े वह दाब दावल जाहलिया और जाहलीत के जैसे पुकार करे वो हमारी उम्मत से नहीं है अब इसको कैसे समझेंगे आपकी उम्मत से नहीं है मिसाल के तौर पर एक आदमी है उसका कोई बेटा है अगर वो अपने बेटे को बोलता है कि तुझे मैं नहीं मानता हूं तो ये हमारे घर में नहीं आना है तो इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है अगर वो हसास किस्म का बेटा होगा ना तो सोचने पर मजबूर हो जाएगा सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि मेरा बाप मुझे क्यों लगा रहा है ये उसके लिए कितनी खराब बात है कि एक बेटा जो अपने बाप के जरिए से भगाया जाए बदमाशी की वजह से शरारत की वजह से अगर कोई किसी बच्चे का बाप शरारत की वजह से उसको भगा दे गई तो इसके लिए कितनी अजीब बात है अब अगर उसको शर्मो आया नहीं है तो कोई और बात है लेकिन अगर शर्मो आया का पानी है उसकी आंखों के अंदर तुम्हारी तो शर्म तो शर्मा जाएगा झुक जाएगा वो कभी भी गलत काम नहीं करेगा कभी भी बाप के खिलाफ नहीं जाएगा अल्लाह के नबी सलाम फरमाते हैं जो इस तरह का काम करते हैं ना कि पुकार करते हैं और इस तरीके से नाम मातम करते हैं और मेरी उम्मत से नहीं हो खारिज कर दिया गया है भाग जाओ हमारा तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है ये बहुत बड़ी सजा की बात है तो अल्लाह के नबी सलात ने बयान किया है इसी तरीके से आप देखेंगे कि अल्लाह के नबी नबीसलातलम ने बायदा ऐसे लोगों पर लानत की है लानत जो नाम मातम करते हैं ना ऐसे लोगों पर अल्लाह के नबी ने लानत की है इसी तरीके से अल्लाह के रसोल वल्लम के पास जब औरतें आती थी बैत के लिए मुसलमान बनने के लिए तो एक कंडीशन ये भी लगाते थे कि न और मातुल नहीं करेंगे यानी इतनी सख्ती से इस मसले को बयान किया गया है इस्लाम के अंदर लेकिन रसोल्ला की शरीत की किस कदर मुखालफत हो रही है रसोल्ला व्ल्म की शरीत और रसोल वसलम के इस अगल को लोग किस तरह से अपने पैरों तले रोद रह रहे हैं इसे हम हमारा मुशाह कर सकते हैं देख सकते हैं हमें दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ऐसे लोगों को हिदायत की तोहफ़ी अदा फरमा दे हिदायत दे दे इस महीने के अंदर अल्लाह ने कहा फला फलामान गुना का काम मत करो इसमें गुनाह का, का काम किस कदर करते हैं और महीनों के मुकाबले में बाकायदा बिदात खुराफात का एक सिलसिला इस महीने के अंदर लोग शुरू करते हैं ना ख़त्म होने वाला सिलसिला एक शुरू किया जाता है इस कदर तूफान बदतमीजी इस कदर शरारत इस कदर फितनों फसाद इस महीने के अंदर करते हैं अल्लाह की पनाह मरसिया लोग पढ़ते हैं मरसिया अल्लाह के नबी सलाम ने मना किया है मरसिया में क्या होता है कुछ भी कुछ भी गाते हैं किसी की जात को लेकर के कुछ भी तारीफें करते हैं कुछ भी बढ़ाते हैं कुछ भी घटाते हैं अल्लाह के नबी सलाम ने मना किया है इसे रोका गया है बाकायदा मुहर्रम मजार, मुहरम करते सहाबा को बुरा कहते हैं और सहाबा से ज्यादा यजीद को यजीद को बुरा कहते हैं आपने सुना होगा हर एक ने सुना होगा कि किस तरह से यजीद को गालियां देती है यजीद को गालियां देने के लिए स्टेज लगाते हैं उन बदबों को यह नहीं मालूम है कि अल्लाह के नबी नबीत ने बाकायदा नसीहत की है उम्मत को कि की लतस अमवात मुर्दों को गालियां मत दिया करो यहाँ तक कि अगर कोई मुशरिक है या काफिर मरा हुआ आदमी है तो उसके हवाले से भी इस्लाम कहता है कि उसको बुरा मत कहो ये तो साहबी के बेटे है ना यजीद कौन है साहबी का बेटा है इसको गालियां देने के लिए बाकायदा स्टेजें लगाते हो कम से कम नबी की इस दर्श को आप अपने जहन में रखते कि नबी ने कहा है कि उर्दू को गालियां मत दो तो क्यों इसको गालियां देते हैं आप हम यजीद का दफा नहीं करते हैं हम ये नहीं कहते कि यजीद कैसे थे कैसे नहीं थे ये एक अलग मसला है कुछ लोग यजीद की बुराई करते हैं यजीद की बुराई में बहुत सारी बातें किताबों के अंदर लिखे हैं और इससे कहीं ज्यादा ये यजीत की मदह और तारीख में भी बहुत सारे लोगों ने किताबों के अंदर बहुत सारी बातें लिखी है तो छोड़ दीजिए इख्तलाफी मसला है लेकिन जो शरीयत जो हमसे तकाजा करते हैं वो देखिए ना शरीयत तो ये कहती है कि आप मरे हुए को गाली मत दो किसी मुर्दे आदमी को गाली मत दो तो आप क्यों तो यजीद को गाली देते हैं और यजीद को गाली देकर के क्या आपके ईमान में इजाफा होता है तो अगर इजाफा होता है तो ठीक है और अगर इजाफा नहीं होता है तो क्यों आप गालियां देते हैं एक बात दूसरी बात यह है कि यजीद की जिंदगी कैसी रही ये हमको आपको नहीं मालूम है बस किताबों में जो कुछ है उसको हम देखते हैं किताबों में गलत बातें भी हैं और सही बातें भी लिखी हैं यजीद है हवाले से लेकिन हम यह कहना चाहते हैं कि यजीद का जब आखिरी वक्त था जब निजा का वक्त था जब यजीद इस दुनिया से जा रहा था तो ऐसे मौके पर भी अल्लाह रहनुमाई करता है ना ऐसे मौके पर भी अल्लाह तोबा की तोहफी देता है मरने से पहले अल्लाह बंदे को तोफे की तोहफे देता है हो सकता है यजीद ने तोबा कर लिया हो अब अगर यजीद ने तोबा कर लिया है और तुम उसको गालियां देते हो तो बताओ तुम्हारे नाम अमन में कितनी बुराइयाँ जमा होती हैं तो कम से कम इंसान इसको सोच ले। लेकिन नहीं सोचते यजीद कौन था अमीर माविया का बेटा था ये अमीर माविया ने ख़ुद नामजद किया था और बहुत सारे साहबा ने इनको तस्लीम किया था बहुत सारे साहबा ने इनको तस्लीम किया था तो क्या साहबा से हमारा बढ़ गए हैं क्या साहबा इस कदर मा ईमान की कमजोरती की गलत आदमी को अपना खलीफा मुंतखब कर लेंगे अपना खलीफा मानने लगेंगे जाहिर बात है यजीद ने तो सारे साहबा को आ, अपना खलीफा अपने आप को खलीफा मनवाने के लिए मजबूर नहीं किया था ना सारे साहबा को मनवाने के लिए मजबूर नहीं किया था सिर्फ ऐसे हुसैन से मनवा रहा था यजीद और बहुत सारे साहबा खुशी से यजीद को जो है अपना खलीफा मान लिए थे तो खैर मैं कहना ये चाहता हूँ कि गालियाँ नहीं देना चाहिए मुर्दों को अल्लाह के नबी ने कहा गालियाँ नहीं देना चाहिए मुर्दों में यजीब भी आता है मुर्दों में यजीब भी आता है इसलिए रसलम की इस नसीहत पर खुले तौर से हमको अमल करने की ज़रूरत है कि गालियाँ नहीं देना चाहिए इसी तरीके से इस महीने के अंदर अल्लाह ने कहा कि फ़ला तस्लिमों की इम्न खुशकुन जुल्म ना करो गुनाह का काम मत करो इसलिए कि जब गुनाह का काम करते हो ना तो तुम्हारे दिल पर सियाहिश छा जाती है तुम्हारे दिल पर धब्बे लग जाते हैं और वो धब्बे बढ़ते बढ़ते इस कदर बढ़ जाते हैं कि पूरा दिल तुम्हारा काला पड़ जाता है तो कोई भी नेकी का काम करो कोई फायदा नहीं है इस महीने के अंदर अल्लाह ने कहा गुनाह मत करो लोग ताजिया बनाते हैं ताजिया बनाते हैं लोग क्या गुनाह का काम नहीं है ताजिया बनाते हैं अपने ही हाथों से बनाते हैं बांस के चीवा लेते हैं उसको अलग अलग करके तराश करके और रंग बिरंगी कागजों के जरिए से उसको बनाते हैं बनाते हैं और फिर यकीदा रखते हैं कि इसमें हुसैन की रूह आती है इसमें हुसैन की रूह आती है बाकायदा नजर करते हैं तवाफ करते हैं रुको सजदा करते हैं अल्लाह ने कितनी जबरदस्त बात कही है कुरान के अंदर अता अब्दू नमात अ लोगो क्या तुम ऐसी चीज की इबादत करते हो जिसको तुम खुद तराश करके बनाते हो खुद अपने हाथों से बनाते हो उसकी इबादत तुम करते हो हुसैन कमर की सभी है ये ताजिया ये अकीदा रखा जाता है कि इसमें हुसैन की रूह आती है ये अकीदा किसका है मुसलमानों का अकीदा ये नहीं है ये हिंदुओं का अकीदा है ये हिंदुओं का अकीदा है कि रूह आती है फिर दोबारा दुनिया में निकल जाने के बाद मुसलमानों का अकीदा नहीं है मुसलमानों का अकीदा ये है जो कुरान ने दिया है तो रूह एक बार जिस्म से निकल जाती है तो फिर दोबारा दुनिया में कभी नहीं आती ये कहते हैं रोह आती है और ये कौन लोग हैं सियाह की बात मैं नहीं कर रहा हूँ ये अपने आप को जो सुन्नी मुसलमान कहते हैं न और जो अपने अलावा किसी और को मुसलमान ही नहीं मानते यानी खुद मुसलमान अगर देखा जाए शरीयत के मीज़ान पर इनको तोला जाए तो खुद मुसलमान नहीं है लेकिन ये दूसरों को मुसलमान ही नहीं मानते इनका बाकायदा अकीदा है इनकी औरतें बाकायदा साल में कौन सा तो दिन होता है वो घर और नीप उप करके एकदम सही करती हैं और यीदा और खाना वगैरह भी पका के रखती हैं कि इससे पहले जो हमारे घर के रिश्तेदार फौत हो चुके हैं वो आकर के अभी खाएंगे रात में ऐसा अकेदा रखा जाता है तो मेरे भाइयों ताजिया बनाना खुल्लम खुल्ला शिरक है और हम सबको मालूम है कि शिरक सबसे बड़ा गुना है दुनिया के अंदर इस्लाम में शिरक सबसे बड़ा गुना है अल्लाह खुद कई बार ऐलान किया है कि शिरक के अलावा अगर मैं चाहूंगा तो दूसरे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा लेकिन शिक को कभी माफ़ नहीं करूँगा इन अलाशबी वक्र मादो नज़ारी का निशा तो युश बिल्ला गमबाई रहा बहुत दूर की गुमराह में चला जाता है जो शद करता अल्ला तो है अल्लाह के नबी सात फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हदीस खुदी अगर बंदा ज़मीन व आसमान भर के गुनाह लेकर करके आए कितनी लंबी चौड़ी ज़मीन है आप और हम ऐसा नहीं कर सकते नाप नहीं सकते इसी तरीके से आसमान भी कितना बड़ा लंबा चौड़ा है कितनी जगहें खाली हैं देखें तो खाली ही खाली सब नज़र आता है अल्लाह के नबी कहते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बंदा अल्लाह ने फरमाया कि अगर बंदा जमीन व आसमान भर के गुनाह लेकर के मेरे पास आता है और इस हाल में आता है कि वो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता है तो मैं चाहूँ तो उसके गुनाहों को माफ फरमा दूँ मैं चाहूँ तो उसके ज़मीन व आसमान भर के गुनाहों को माफ़ फरमा दूँ लेकिन शिर्क को कभी माफ़ नहीं करूंगा हमेशा हमेशा हमेशन महलिद फिन्नार हमेशा हमेशा जान में रहेगा देखें किस इस कदर इसमें शिरक होता है शिरक भी होता है इसके अंदर कुफ्र भी होता है मुसलमान से इसको कर रहे हैं अल्लाह ने बयान रहेन के अताबून ऐसी चीजों की इबादत क्यों करते हो जो अपने हाथों से तराशते हो तो ये अपने हाथों से तराश करके इसको बनाते हैं तो मेरे भाई इसमें शिरक भी लोग करते हैं इसमें शिरक भी करते हैं एक बहुत ही अजीब मसला मैं बताऊं आपको कि इसमें बहुत सारे अच्छे मुसलमान जो किताब को मानने वाले हैं वो लोग भी इस दिन छुट्टियां ले लेते हैं अगर शरीय की रोशनी में देखा जाए तो इस दिन छुट्टियां भी नहीं लेनी चाहिए हुकूमत की तरफ से छुट्टियां है बात अलग है लेकिन बहुत सारे लोग मुहर्रम मनाने के लिए छुट्टियां ले लेते हैं अगर नहीं भी मनाते हैं तो उसको देखने के लिए छुट्टियां ले लेते हैं तो मुहर्रम मनाना भी गलत है उसको देखना भी गलत है अल्लाह ने बयान किया ना कि तालवाला कि खैर और भलाई के बारे में हेल्प करो दूसरों की और बुराई और इस तरीके से सरकशी और दुश्मनी के हवाले से किसी का हेल्प मत करो अल्लाह के नमी फरमाते हैं अमिन को मुनकरन कर बेदे तुम्हें से जो शख्स ताकत रखे मुनकर देखे उसको मिटा दे मुनकर देखे और तुम्हें से जो शख्स ताकत रखता है मिटाने के लिए तो उसको मिटा दे तो छुट्टियां भी नहीं लेनी चाहिए इसके अंदर गाने बजाने इस्तेमाल होते हैं अभी मैं सुबह आ रहा था तो मेरा कान फट गया इस इस कदर एक आदमी ने जोर से बजाया तब ले कि ऐसा लगा जैसे मेरा कान ही फट जाएगा गाना बजाना अल्लाह के नबी नबीलात असलाम फरमाते हैं मेरे आने का दुनिया में एक मकसद ये भी है कि गाने बजाने को ख़त्म करो गाने बजाने के खात्मे के लिए अल्लाह के नबी नबीलात की बेसत हुई और आप आप्लाम ने बहुत जबरदस्त उम्मत को नसीहत की है कि ए कायनात के लोगों याद रखो मेरी उम्मत के अंदर जजला आएगा मेरी उम्मत के लोग धंसा दिए जाएंगे मेरी उम्मत के बाद लोगों के चेहरों को मस्त कर दिया जाएगा बिगाड़ दिया जाएगा साहबा ने पूछा अल्लाह के रसूल ये कब होगा जज्जले कब आएंगे आपकी उम्मत के चेहरों को कम बिगाड़ा जाएगा कि कब होगा ऐसा अल्लाह के नबीत सलाम ने फरमाया जब लोग गाने बजाने में ज्यादा मशगूल हो जाएंगे गाने बजाने में ज्यादा मशगूल हो जाएंगे गाने बजाने को अपनी जिंदगी का एक अमल समझ लेंगे कि ये भी हमारी जिंदगी का एक पार्ट है एक हिस्सा है तो लोग इस महीने के अंदर गाना गाते बजाते हैं अल्लाह ने कहा फ़ला तजली ना इसके अंदर जुल्म ना करो इस महीने के अंदर गुनाह का काम मत करो मुसलमान नहीं मुशन मक्का इस महीने का एहतराम करते थे और अल्लाह की कसम इस कदर एहतराम करते थे इस कदर एहतराम करते थे कि मशरिक मक्का की ज़िंदगी में गुनाह उनकी आदत सानिया बन गई थी वो लोग बातों बातों में एक दूसरे को कत्ल कर देते थे ना तारीफ पढ़े हम और आप नबी की नगोश से पहले की ज़िंदगी देखें साहब लोगों की कैसी थी मुसीकी ने मक्का की कैसे थी बातों बातों पर एक दूसरे का कत्ल कर दिया करते थे लूट मार चूरी डकैती उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका था लेकिन जब भी महीना आता था अब इनको तो रुक जाना है एहतराम करते थे ना इस महीने का ये लोग और उनकी आदत में ये सारी उनकी फितरत में सारी चीज़ें शामिल थी बुराइयाँ अब वो लोग क्या करते थे इस महीने की जगह पर ना अपनी तरफ से कोई और महीना फिट कर देते थे ये मोरन का महीना चल रहा है तो लोग सब जमा होते और कहते नहीं यार इस महीने को हम दूसरे महीने से चेंज कर लेते हैं बुराई करने के लिए यानी किस तरह से उनकी आदत में बुराई शामिल थी अब उनको एहतराम करना जरूरी था वो एहतराम करते थे लेकिन क्योंकि उनको बर्दाश्त नहीं हो पाता था बुराई से रुक नहीं पाते थे ना इसलिए उस महीने की जगह पर कोई और महीना रख देना चाह रहे थे अल्लाह कुरान के अंदर फरमाता है के जो तुम महीने की हेर फेर करते ना महीने को चेंज करते अपनी तरफ से मनमानी ये तो तुम्हारे कुफर में मजीद इजाफा करता है तुम्हारे शिर तुम्हें और ज्यादा इजाफा करता है ये ये कोई अच्छी बात नहीं है लेकिन मुसलमान बदकस्मती से देखे मुश्की ने मक्का से भी गया गुजरा है ने मक्का इसका एहतराम करते थे लेकिन ये एहतराम ये नहीं करता है तो इसके अंदर गाना बजा गाना बजाना भी होता है और इसके अंदर खिचड़ा लोग पकाते और खिलाते भी है कल रात में मैंने देखा बहुत लंबी दावत थी चल रही थी किसके नाम से खिचड़ा पकता है हुसैन के नाम से ना ये अकीदा रखा जाता है कि इसको पकाएंगे और दूसरों को खिलाएंगे तो हुसैन हमारी मदद करेंगे अकीदा उसके पीछे होता है हुसैन हमारी मदद करेंगे हमारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी हमारी हमारी बिगड़ी बन जाएगी लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें नुकसान उठाना पड़ेगा ये ऐसा अक़ीदा रखा जाता है अल्लाह ने बयान किया ना क़ुरान के अंदर यही बात तो कही उदही गैरलमा उदही गैरल्ला की तफसीर में बात आती है गैरुल्लाह के लिए करना गैरुल्ला के लिए सारी चीज़ें करना अल्लाह के अलावा अगर कोई किसी के लिए करता है उसके खुश करने के लिए उसको राजी करने के लिए कि अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं बनेगा अगर इस अकीदे के साथ कोई आदमी किसी के साथ कुछ भी करता है किसी के नाम पर कुछ भी करता है तो इस्लाम के अंदर ये हराम है उमा दिल गैर लोग सवाल करते हैं कि भाई क्या हुआ हम खाना तो उसके नाम से पकाते हैं ना उसके नाम से पकाते हैं लेकिन अकैदा आपका क्या है अकैदा आपका यही है ना कि अगर पकाएंगे तो हमारा बन जाएगा काम अगर नहीं पकाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा अगर पकाएंगे तो हमारा भला होगा हमारा फायदा होगा यानी खैर और भलाई की नस्बत जो अल्लाह की तरफ होनी चाहिए उस नस्बत को हटा करके आपने बंदों की तरफ कर दिया है तो ये शर्क नहीं है फिर क्या है उमा इसकी तफसीर यही की गई है लोग खिचड़ा पका करके इस तरह से करते इसी तरीके से पानी और शरबत की सबीले लगाते हैं पानी और शरबत की सबीले और गुन गाते हैं कि हम हुसैन के शहदाई हैं हुसैन तो प्यासे शहीद हुए थे ना और तुम तो लोगों को पानी पिला रहे हो लोगों को पानी पिला पिला करके उनको नाचने और गाने पर मजबूर कर रहे हो अगर तुम्हें हुसैन की सुन्नत पे अमल करना था तो तुमको तो रोजा रखना चाहिए तुमको रोजा रखना चाहिए क्योंकि हुसैन प्यासे शहीद हुए थे हुसैन कुछ खाए पिए नहीं थे उस दिन तुमको तो रोज़ा रखना चाहिए लेकिन लोगों को तुम सभी पिला रहे हो वो भी हुसैन के नाम पर पिला रहे हो इसलिए पिला रहे हो इसलिए लगा के रखे हो कि हुसैन के नाम से ऐसा करेंगे तो हमारा फ़ायदा और हमारा भला होगा मैंने कहा कि उमाऊ ब के अंदर यह भी आता है ये भी शिरक है इस तरीके से और एक जना जल जना सवारी सवारी भी निकालते ना हुसैन के नाम पर सवारी भी बनाते इसका कैदा है ये मुसा सलाम के जमाने में एक सामरी था ना जो बछड़ी की पूजा करता था उसी से ये बात ली गई और हिंदुस्तान के अंदर ये चीज हिंदुओं से ली गई है ये गाय की पूजा करते हैं गाय की अहमियत देते हैं गाय को अहमियत देते हैं तो ये हुसैन की सवारी को अहमियत देते भले साल में एक ही बार हो लेकिन इसी से लिया गया है हिंदुओं से इस मसले को लिया गया है हुसैन की सवारी रोज़ुलजना के नाम पर इसको करते हैं और फिर अकैदा रखते हैं कि ये सवारी इसके अंदर बहुत ताकत है इसके अंदर बहुत क़ुत है ये हुसैन की सवारी है इस पर अगर सवार हो गई तो कभी ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा कभी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं होगी ये रखा जाता है आप लोग तो खाली सवारी देखते हैं ना लेकिन उसके पीछे अकैदा उनका क्या छुपा रहता है ये अकीदा रखा जाता है अगर जिसने इसको बनाया जो इस पर सवार हो गया जो इसके साथ किसी तरह से कोऑप्रेट किया अल्लाह उसको मुसीबत से बचा लेगा ऐसा अकैदा रखा जाता है जाहिर बात है यकीदा न सिर्फ कुफ्र बल्कि शिरक भी है शिरक और कुफ़्र दोनों है इसी तरीके से एक और इसके अंदर मामला किया जाता है हुसैन का फकीर बना करके आ, मंगवाया जाता है बहुत सारे बच्चों को हमने देखा होगा आराम तो पेटा वोटा बांध करके इधर उधर घरों में जा करके मांगते हैं हुसैन का फ़कीर हुसैन का मंगता माधनी की सजा क्या इस्लाम ने बताई है आपको पता है अल्लाह के नबी ने क्या कहा है अल्लाह के नबी सलाम ने फरमाया जो बिला वजह किसी से सवाल करता है ना कयामत के रोज वो पहचाना जाएगा उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होंगे उसके चेहरे पर गोश्त नहीं होंगे पहचाना जाएगा कि ये दुनिया के अंदर लोगों से मांगता था लोगों से सवाल करता था यानी कहा किस गलत रविश पे लगा रहे हैं किस गलत पर चला रहे हैं लंगता बनवा करके इधर उधर दरवाजों पर भेजा जा रहा है कि जाओ मांगो शरीयत के किस तरह से फला प्रद की जा रही है अल्लाह ने कहा फला इसके अंदर अंदर ना करो इस महीने के गुनाह का काम ना करो हम देखते हैं कि और महीनों के मुकाबले में इस महीने में और ज्यादा लोग गुनाह गुना करते हैं कौन सा ऐसा गुनाह है जो तो इस महीने के अंदर ना करते हैं लोग कौन सी ऐसी शरारत और कौन सा ऐसा कितना तो है जो तो इस महीने के अंदर ना किया जा रहा हो अल्लाह ने फरमाया फला तजलिम फिर इसके अंदर गुनाह का काम मत करो चूरिया वगैरह रखे जाते हैं इस महीने के अंदर नोबयाही औरतों को कहा जाता है कि तुम अपने मैं रहो तुम अपने वह के रहो यह अकैदा रखा जाता है कि अगर इस पीरियड में कोई आदमी अपनी बीवी से मिलता है ना अगर कोई औलाद ठहरती है तो वो औलाद नातसल अक़ल होगी वो औलाद पागल होगी वो औलाद कभी ज़िंदगी में तरक्की नहीं करेगी ऐसा अकैदा रखा जाता है इसलिए नोगयाही औरतों को लाते नहीं है तो खिमा के यहाँ छोड़ करके आते हैं ये मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं कब्रों की लिपा पोती की जाती है कब्रों की लिपा पोती की जाती है फिर पूरे घर वालों को लेकर के वहाँ जा के उससे बहुत कुछ मांगते हैं बहुत कुछ घर से सोच करके जाते हैं कि ये सब काम करेंगे तो हमारी बहुत सारी बिगड़ी बन जाएगी हमारे बहुत सारे मुश्किल हल हो जाएंगी क्या कब्र के हवाले से यही बात इस्लाम के अंदर है क्या कब्र पर जाने का जाने का का जो हुक्म दिया गया है क्या यही इज्जत बताई गई है क्या यही वजह बताई गई है कि किसी भी कब्र पर जाने से आपकी परेशानी माज अल्लाह दूर होगी आपकी तकलीफ दूर होगी ये तो खुला हुआ शिरक है ना खुला हुआ शिरक है इस शिरक में कोई शुबा ही नहीं है कब्र पर जाने की इजाजत इसलिए दी गई है इस्लाम के अंदर ताकि इंसान आखरत को सोचे इंसान आखरत को याद करे और फिर किसी दिन को फिक्स नहीं किया गया है किसी दिन को फिक्स नहीं किया गया बाज लोग जुमा के दिन को फिक्स कर लेते हैं और बाकायदा उस पर अदीशें भी बयान करते हैं हालांकि ऐसी कोई नहीं है जुमा के दिन की तो इस तरीके से बाकायदा इस महीने में इन दस तारीखों के अंदर लोग कब्रों की लिपा पोती करते हैं और फिर अपने घरवालों को लेकर के जाते हैं और वहां जो होता है मर्द और औरत और दोनों जाते हैं और इस तरीके से जो मर्द और औरत का इख्तलात होता है और जो इस तरह से बुराइयां होती हैं अल्लाह की पना और इसके अंदर शरीयत खुद बनाते हैं मनगणत रिवायतें भी वो लोगों ने इसमें बहुत गढ़ा है अल्लाह ने कहा कि इसमें गुनाह का काम मत करो और इस कदर गुनाह इस महीने के अंदर आगे बढ़ गए इस्लाम, इस्लाम बनाया है खुद से शरीय को बनाया है जैसे मिसाल के ऊपर दो तीन बातें मैं रखता हूँ कहते हैं कि आशूरा के दिन अल्लाह ने जमीन आसमान को पैदा किया है आशूरा के दिन यानी दसवीं तारीख आज दसवीं तारीख है ना आज ही के दिन अल्लाह आरबुलमिन ने जमीन व आसमान को पैदा किया इस तरह की कोई रिवायत नहीं है सब गढ़ लिया है लोगों ने ऐसी कोई रिवायत नहीं है इसी तरीके से एक ये हदीस गढ़ी गई कि अगर कोई शख्स सुरमा लगा लेना आज के दिन तो उसे कभी बीमारी नहीं होगी आप देखें हदीस की किताबों में बाबा दाई आपको मिलेगी हालांकि इससे कोई रिवायत है ही नहीं रसलम से साबित ही नहीं है यही इसका आता पता ही नहीं है कि अगर कोई शख्स सुरमा लगाए तो उसको कभी बीमारी नहीं होगी लोग लगाते भी हैं हदीस गढ़ ली गई है इसी तरीके से अगर कोई इसके अंदर दो रकात नमाज पढ़ ले बहुत सारी नमाजें हैं लेकिन दो रकात की बात कर रहा हूं मैं अगर कोई शख्स दो रकात नमाज पढ़ ले तो वो दो रकात नमाज साठ साल की इबादत से भी ज्यादा अजर षवाब है उसके अंदर ये ऐसा अकैदा बयान किया जाता है ऐसी हदीस बयान की जाती है इसीलिए आप देखेंगे इन लोगों को जो मुहर्रम वगैरह मनाते हैं ना आप देखें उनके चेहरों पर रूहानियत रु, नहीं नजर आएगी उनके चेहरों पर कोई मोर नजर नहीं आएगा आप देखेंगे जैसे ये कहीं मैले कुचेरे किसी गढ़े से निकले हुए लोग हैं ऐसे लगता है कि अल्लाह की लानत और अल्लाह की पटकार सामने दिख रही है इनके चेहरों पर क्योंकि इन्होंने कुफर सिंह तो किया ही आदेशों को बिगड़ करके बयान किया ना शरीय साजी भी खुद कर लिया तो क्या कहते हैं इनका अकीदा क्या बना दिया है अकीदे के तौर पर क्या आदेश बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स दो रकात नमाज़ पढ़ ले तो साठ साल की इबादत से भी बेहतर है इसीलिए लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं आज के दिन नमाज नमाज पढ़ लेते होंगे बस उनका तो साठ साल के साठ साल के गुनाह माफ हो जाएंगे और साठ साल जो है इस तरीके से उनको इबादत का स्वाब मिल जाएगा तो इस तरह की मेरे भाई कोई रिवायत नहीं है आज ही एक सवाल आया था कि आशुरा के दिन की ए, कितनी नमाजें कितनी रक़त नमाजें आप बताइए मैंने कहा कोई कोई नमाज नहीं है आशूरा के दिन कोई नमाज नहीं है एक रकात भी सुन्नत से साबित नहीं इसलिए ऐसी नमाजों से दूर रहें नमाज है शिरकिया नमाजें हैं इससे दूर रहें आप इसी तरीके से एक और आदेश गढ़ करके बयान की गई है जिसे आमतौर पर संजीदा तबका के लोग भी इस हदीस को बयान करते हैं जो संजीदा तबका जिस आप समझ सकते हैं मैं इशारा कर रहा हूँ वो हदीस इस तरह से बयान करते हैं कि अगर कोई शख्स अहलोल पर अपने खर्च करे ना आज के रोज अपने अहल व्याल पर खूब खर्च करे तो फिर कभी उसको तंगी नहीं होगी इसीलिए लोग अहलोल पर खूब खर्च करते हैं आज के रोज हालांकि इस तरह की कोई रिवायत नहीं है शरीयत में इस तरह की कोई रिवायत नहीं है सब गलत और बेबुनियाद है इसी तरीके से एक और आदेश गढ़ करके बयान करते हैं जो बड़ी अजीब है, है आप सुनकर के भी आप समझेंगे कि ये गलत है कहते हैं कि माज अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लाह के नबी तो थे ही नहीं अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कतल हुसैन पर अगर कोई शख्स रोता है ना तो उसका असर अंबिया के साथ होगा और हमारे साथ होगा इस तरह की तो कोई बात नहीं नबी ऐसा कह ही नहीं सकते और रोने का तो बाकायदा ममानियत है इस्लाम के अंदर रोना जायज ही नहीं किसी के मरने पर जोर जोर से चिल्लाना है तो और नातुल की शक्ल है अल्लाह के नबी नबीसलाम तो ने खुद मना किया है ऐसे लोगों को इस्लाम के अंदर दाखिल नहीं करते थे जो इस तरह का अमल करते थे और फिर नबी से कैसे बात शादिर हो सकती है कि नबी ने कहा हो कि अगर हुसैन के इस शा, शहादत के बाद अगर कोई रोता है तो ऐसे लोगों का आशर अम्ब्या के साथ होगा जाहिर बात ये रिवायत नहीं ये शैतानी रिवायत किसी शैतान ने इसको किताबों के अंदर दाखिल कर दिया है तो मैं कहना ही चाहता हूँ कि अल्लाह ने जो बयान किया है ना कि इस महीने के अंदर गुनाह का काम मत करो इस कदर लोग इस महीने के अंदर गुनाह का काम करते हैं यहाँ तक कि खुद शरीय साजी का काम करते हैं शरीय बना करके पेश करते हैं करने का जो काम है उसको नहीं करते हैं इस महीने के अंदर करने का काम क्या है सरसरी तौर पर मैं ले लेता हूं अल्लाह के रबी सातलाम ने जो हुक्म दिया है कि इस महीने के अंदर रोजा रखा जाए रोजा तो कोई नहीं रखता है आप सभी सबीएं लगाएंगे आप डेरे पकवाएंगे तो रोजा कौन रखेगा लालच में तो जो रोजा रखना चाहेगा वो भी नहीं रखेगा यानी सही बात है ना कि जब जब बंदे की जिंदगी से सुन्नत हट जाती है तो उसकी जगह पर बिदात आ जाती है जब सही चीज बंदी की जिंदगी से खत्म होती है तो गलत चीज उसकी जिंदगी में आ जाती है तो रोजा रखना ये सुन्नत था रोजा रखना ये यह वसल्लम की नसीहत और वसीयत थी जब इस चीज को हमने छोड़ दिया तो इसकी जगह पर गलत चीजें हमारी जिंदगी के अंदर आ गई अल्लाह के नबी सला बाकायदा मक्का के अंदर रोजा रखते थे दसवीं तारीख को मक्का के अंदर रोजा रखते थे मक्का से हिस्त करके जब मदीना गए तो वहां भी रोजा रखते थे दसवीं तारीख को लेकिन जब साहबा ने याद दिलाया कि अल्लाह के रसोज वम ये दसवीं तारीख को तो नसारा भी रोजा रखते हैं दसवीं तारीख को नसारा भी रोजा रखते हैं तो अल्लाह के नबी नबीतम ने कहा अगर मैं आइंदा साल जिंदा रहा तो एक नौवीं तारीख को भी रोजा रखूंगा गोया नवी दसवीं तारीख का रोजा रखना ये नबी नबीम से सुन्नत करार पाया

इसकी इतनी बड़ी फजीलत है कि इस रोजे की नस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ कर ली है यह क्या फजीलत कम है कि अल्लाह किसी महीने की नस्बत किसी रोजे की नस्बत अपनी तरफ कर ले आराम के महीने की नस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है शाह मुहर्रम्ला का महीना है अच्छा ये नसीहत की अल्लाह के नबीत असलम ने रोजा रखना है साहबा रोजा रखते थे किस तरह से रोजा रखते थे एक सहाबिया का वाकया बयान करता हूं मैं सहाबिया ए खातून नबी की नसीहत का किस तरह से असर हुआ इनकी जिंदगी में इनका नाम रबी बिन तविज रजील्ला है ये कहती है कि अल्लाह के नबीत असल्लाम ने जब ऐलान करवाया कि आशुरा के दिन का रोजा रखना है तो हम लोग रोजा रखने लगे हम लोग रोजा रखने लगे पाबंदी से यहाँ तक कि हम अपने छोटे बच्चों से भी रोजा रखा रखवाने लगे दोपहर के बाद जब प्यास और भूख की शिद्दत से हमारे बच्चे रोने लगते बिलखने लगते तो हम उन्हें खिलौने दे करके बहलाया करते थे लेकिन नबी की नसीहत का इस तरह से हम एहतराम करते थे नबी ने कहा बस्तियों में ऐलान करवाया कि रोजा रखवाना है हम लोग रोजा रखने लगे हम लोग रोजा रखने लगे न सिर्फ हम रखने लगे बल्कि अपने बच्चों को अपने घरों में भी नबी की इस सुनत को जिंदा करने लगे लेकिन आज का मुसलमान आप देख रहे हैं कैसा मामला है कैसा माशरा और कैसा समाज है नबी की इस नसीहत को किस तरह से रौंदा जा रहा है नबी सलाम के इस हुक्म की किस तरह से पामाली की जा रही है यही वजह है ना कि आज मुसलमानों पर जिल्लत और रसवाइयाँ और मुसलमान मुख्तफ़ कस्म के फितरों से दो चार है क्योंकि अल्लाह के नबी की यह हदीस है ना फरमाते हैं आप्लम जोहल झुल्लो सगार फरी जो मेरे अमर की मुखालफत करेगा ना उसकी ज़िंदगी में तबाही मुकदर बन जाएगी सही रिवायत रवायत अहमद के अंदर है अल्लाह के नबी फरमाते हैं जोहल ओ सगारन खाल्फाम उस शख्स की जिंदगी में तबाही जरूर आए आएगी उस शख्स की जिंदगी तबाहियों से भर दी जाएगी परेशानियों से भर दी जाएगी जो नबी की सुन्नत की मुखालफत करता है जो नबी की सुन्नत को पैरों पैरों तले रोता है ना उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी जाएगी उसकी ज़िंदगी फितरों से दो चार होगी आप देखें कितने मुख्तलिफ़ से कितने मुख्तलित तरह से हमारे घरों के अंदर घुस रहे हैं हमें एहसास नहीं हो रहा है ना लेकिन मुख्तफ किस्म की फितों से आज हमारा चार हैं। कौन सा ऐसा फितना है जो तो आज हमारे अंदर नहीं चूं इसलिए कि हमने नबी की मुखालफत की है ना नबी की सन्नत की मुखालफत की है नबी के हक्म की, की मुखालफत की है और कुरान क्या कहता है कुरान भी सवाली से कहता है फितना और आदाब लोगों को रसोलम की सन्नत की मुखालफत करने से बचना चाहिए गिरफ्तार न कर दे तो रसूल की मुखालफें जब जब होंगी दुनिया के अंदर तब अल्ला तब अल्लाह तबाहियां लाएगा तब तब अल्लाह बर्बादियां लाएगा शक्लें अलग होंगी पहले जमाने में लोग सफ़े अस्थी से मिटा दिए जाते पहले पर पहले ज़माने की जो उम्मतें थी अल्लाह आसमानों से पत्थरों को बरसा करके जो है उन्हें बर्बाद कर देता था आंधियां चला करके उनको बर्बाद कर देता था बिजुलियाँ गिरा करके उनको बर्बाद कर देता था लेकिन आज के ज़माने में भी वो सब वो सब सिलसिले जारी हैं शक्लें अलग हैं लेकिन सिलसिले आज भी वही जारी है तूफान के जरिए से लोग हिला होते हैं होते कि नहीं होते हैं सैलाब के जरिए से लोग हिलाक होते हैं होते हैं कि नहीं होते हैं जल्जलों के जरिए से लोग आज के ज़माने में हिलाक होते हैं तो अल्लाह के अहब की, की शक्ल तो आज भी बाकी है अल्लाह के आजाब का सिलसिला तो आज भी बाकी है शक्ल बदल सकती है बस तो मेरे भाई इस महीने का खुलासा यह है कि अल्लाह के नबीत असलाम तो ने कहा है कि इस महीने की नौवीं दसवीं तारीख को रोज़ा रखा जाए इस्लाम ने यह कहा है कुरान ने यह कहा है कि इस महीने के अंदर जुल्म न किया जाए यानि गुनाह का काम ना किया जाए बस सिर्फ़ इस महीने का एहतराम हमारे लिए इतना ही है बस इसके अलावा जो कुछ भी हम करते हैं सारे के सारे गैर हैं शरीय है, से इनका कोई ताल्लुक नहीं है बस हम इसी बात पर अपनी बात को ख़त्म करते हैं अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह अबी जब तक हमें दुनिया के अंदर ज़िंदा रहें ईमान सलामती के साथ ज़िंदा रहे और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान सलामती के साथ हमारा खात्मा हो रबरा तकबलम इनकाम्ब वाली इनका तब्रही सलमी महमदौल वसाब अजमैन बिर असलकम जैसा जैसे आपने बताया कि नौ का दस का रोज़ा रखना और हर मस्जिद में जैसा बयान होता है कि अपने आल औलाद के ऊपर कोई अच्छी चीज़ घर में पका के खाना खाना चाहिए खिलाना चाहिए तो ऐसा हर मस्जिद में होता है जैसा कि आप बताएं कि ऐसा जरूरत नहीं है और हमें पहले माता जैसे सुन लो आपसे ये चीज़ आप नहीं है मगर हर जगह कोई ना कोई हर आदमी बोलते माता देखें भाई ने सवाल किया है कि आपने बताया है कि नवीं दसवीं को रोज़ा रखना चाहिए आ, लेकिन मैंने अक्सर मस्जिदों में सुना है इमाम वगैरह बताते हैं कि इन दिनों में अपने अहलोल पर खूब खर्चा करना चाहिए इसका बहुत बड़ा ज़रूर सवाब है तो देखें मैंने इसीलिए कहा कि बदकस्मती से बहुत सारे मुसलमान जो संजीदा किस्म के मुसलमान हैं यानी किसी न किसी तरह से जो सुन्नत से करीब है दीन से करीब हैं उनकी ज़िंदियों में भी पता नहीं देखी देखा क्यों इस तरह की बातें आ रही हैं कि जो शरीयत नहीं है वो भी शरीयत बना करके पेश कर रहे हैं जो शरीयत नहीं है जिसका कोई वास्ता शरीयत से नहीं है जो गलत सलत रिवायतें हैं जो मौजूद और मनगढ़ंत बातें हैं उसको भी आज का संजीदा इमाम जो किताब सुन्नत से अपने आप को करीब मानता है उनके यहाँ ये सारी चीज़ें चल रही हैं अगर जो कुफर शिरक पर से अटे पटे हैं या जो गलत रविश पे चल रहे हैं गलत तरीके पर चल रहे हैं इनकी जिंदगी के अंदर कुरान और सुन्नत नहीं है अगर वो ऐसा करें तो उन पर अफसोस नहीं होता है अफसोस वहां होता है जहां लोग कुरान और सुन्नत की दहाई देते हैं जहां लोग अपने आप को कुरान और सुन्नत से करीब समझते हैं और फिर वहां इस तरह से मौजूद रिवायत में बयान करें देखी देखा दूसरों की आज का रोज अगर इस तरीके से अपनों अपने अहलोल पर खर्च किया जाए तो इसका बहुत बड़ा जो स्वाब है मेरे भाई देखिए इस तरह से कोई रिवायत नहीं है शरीयत के अंदर इस्लामिक कुतुब के अंदर इस तरह से कोई रिवायत सही सरलों के साथ साबित नहीं है इसलिए आप ऐसी रिवायत को अर्गी जना तस्लीम करें ये, ये शेयरी रिवायत है जो मुसलमानों के अंदर घुसी पड़ी है इसे निकालने की ज़रूरत है बहुत सारी चीज़ों को हमने निकाल दिया है इस पर भी गौर करें इस, इस इसको भी सच्चे और सही जहन से सोचें इन जब आप तो सच्चे दिमाग से इसको सोचेंगे तो आप भी इसे अपनी ज़िंदगी से निकालने की कोशिश कर लेंगे सिर्फ रोज़ा रखना सुनत है रोज़ा रखिए नवी दसवीं को इसके अलावा और कुछ भी नहीं है इसमें किसी बहन ने सवाल किया है कि आपने कहा नौ दस का रोजा रख सकते हैं है, दस और ग्यारह का रख सकते हैं या नहीं देखें नौ दस का रोजा रखना ज्यादा अफजल है इसलिए मैंने अफजल ये बात बताई है अगर हम इसको तूल देते तो दरस और लंबा होता तो इसलिए मैंने जो सही बात थी जो अफजल और वाज बात थी वही मैंने बताई है कि नौ दस का रोजा रखना ज्यादा बेहतर है अफजल है अगर कोई नौ का रोजा नहीं रख सका तो दस और ग्यारह रोजा रख ले इनशाला इसमें भी गुंजाइश है कोई अरज की बात नहीं है लेकिन इंसान की कोशिश ये होनी चाहिए नौवी दसवीं का रोजा रखे ताकि पूरी सुन्नत पर हमारा अमल हो सके जी। पिछले जुम्मे में नांदेड़ के अंदर सुना भाई वैक। ये जो हदीस है जो खाने खिलाने की वो जईफ है और उसको ज्यादा ना लिया जाए और नवी और दसवीं का रोजा रखा जाए और नवा और दसवा न रखते ही है, अगर ना रखा जाए तो दसवा और ग्यारहवा रख तक के देखें भाई ने सवाल किया है कि मैंने कहीं नानदेड़ वगैरह में सुना है कि खाना खिलाने वाली बात जो है ये ज़यीफ़ है इस पर अमल ना किया जाए बिल्कुल सही बात है मैं भी वही कहता हूँ वो सही रिवायत नहीं है उस पर अमल ना किया जाए और इन्होंने ये बात भी कही कि वहाँ पर मैंने सुना कि नौवीं दसवीं का रोज़ा रखा जाए बिल्कुल सही बात है नौवीं दसवीं का रोज़ा रखना ही रसूल रसोल्ला वल्म से साबित है और सुन्नत से ज़्यादा करीब है इसे ही रखना चाहिए अगर कोई नहीं रख सका नवीं तारीख को तो दसवीं तो रखना है दसवीं के साथ में एक रोज़ा और मिला ले ग्यारहवीं का इंशाल्लाह कोई अर्ज की बात नहीं है आपने जो कुछ सुना सही सुनाया अलहमदुल्ल्या जी और इस महीने में शादी वगैरह खुशी वगैरह बना सकते हैं देखें भाई ने दे सवाल किया है कि इस महीने में क्या शादी वगैरह हम कर सकते हैं खुशियां बना सकते हैं देखें शादी बिल्कुल कर सकते हैं निकाह बिल्कुल कर सकते हैं बदकस्मती से मुसलमान इस महीने को मनोज समझ रहा है इस महीने को मनोज समझ रहा है और शादी ब्याह नहीं करता है हालांकि बिल्कुल शादी व ब्याह कर सकते हैं यानी अगर कोई शख्स खुद से शादी ब्याह ना करे तो गोया वो, वो शरीयत खुद बना रहा है इस्लाम तो बहुत पहले मुकम्मल हो चुका है ना नबी के ज़माने में मुकम्मल हो चुका है नबी करीम सल्लम के बाद सहाबा की शादियाँ मुहर्रम के महीने में हुई हैं सहाबियात की शादियाँ मुहर्रम के महीने में हुई हैं अब अगर कोई शख्स मुहर्रम के महीने में शादी और ब्याह ना करे तो इसका मतलब ये है कि वो नबी से माजरदा ज़्यादा बढ़ रहा है नबी से ज़्यादा अपने आप को समझदार कर रहा है तो इंसान को ना हर मसले की बारीकियों को सोचना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं या जो अमल कर रहे हैं ये कहा तक जा रहा है ये किस किस पर चोट आ रहा है ये सब पूरा बारीक बीनी से जायजा लेना चाहिए अगर बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो देखें ये चोट किसको लगती है रसुल्लाम को लगती है शरीय को लगती है इस्लाम और दीन को लगती है तो मैं कहना ही चाह रहा हूं आपके सवाल का जवाब यह है कि मौरून के महीने में बिल्कुल शादियां कर सकते हैं बिल्कुल निगाह कर सकते हैं इसमें कोई पाबंदी नहीं है जी शेख हमारे दोस्त असल में कल हमने उनको फ़ोन किए थे तो दस बजे वो बोलेंगे अरे मैं रोज़ा नहीं रखा तो बोले अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ जैसे नफल रोज़ा है सैरी नहीं किए और दस बजे फोन करने के बाद उनको जब याद आया कि बस आज रोजा कहा मैंने तो सुन गया तो बोले मैंने वैसे ही रख लिया यानी बाद में मुलाकात हुई मेरी तो बोला बोला क्या वो रोजा रखी तो बोले यार रोजा मैंने तुमने फोन किया उसके बाद ही नहीं आते अभी तो ऐसा करना वैसा नहीं क्योंकि नफल रोजा है जी जी देखें भाई ने सवाल किया है कि उनके एक दोस्त का वाक़ा बता रहे थे कि दस बजे तक उन्होंने जो है कुछ खाया पिया नहीं था रोज़ा नहीं रखा था बाद में नियत करके वो रोज़ा लिए तो नफिल रोज़े में दस बजे के बाद नियत इस तरह से करना कैसा है देखें नफिल रोज़े के हवाले से आप जो है दस बजे के बाद नीयत करें बारह बजे के बाद नीयत करें एक बजे के बाद नीयत कर लें कोई मसला नहीं है अगर आप कुछ खाए पिए नहीं तो आप जब चाहे नियत कर लें और उसको रोजे में तब्दील कर लें इन आपका रोजा वो वैलिड रहेगा माना जाएगा ठीक है तो इसमें एक बात ये भी, भी है कि बहुत सारे लोग इसलिए रोजा नहीं रखते हैं कहते हमने शहरी नहीं किया है हमने शहरी नहीं किया है मुझे अजीब सा लगता है ये मामला कि शहरी करना रोजे का के शराइत में से नहीं है चाहे फर्ज रोजा हो चाहे नफिल रोजा हो यानी अगर आप शहरी करेंगे तब भी रोजा रख तभी भी रोजा रखेंगे तभी रोजा रखेंगे नहीं तो रोजा नहीं रखेंगे तो ये तो आप अपनी तरफ से ऐसा सोच रहे हैं शरीयत की सोच ये नहीं है अगर आपने शहरी नहीं किया है शाह रमज़ान के महीना ही क्यों ना हो या और महीने में जो रोजा रखते हैं उन महीने की बात क्यों ना हो शहरी इसके लिए कंडीशन नहीं है शराय में से नहीं है आप शहरी ना करें तो भी पूरी तरह से आप रोजा रख सकते हैं पूरे इतमान के साथ और आपके रोजे में जर्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा जर्रा बराबर भी फ़र्क नहीं आएगा आपके रोजे में इसलिए कभी भी आपके जहन में बात नहीं आनी चाहिए कि मैंने शेरी नहीं किया है इसलिए हम रोज़ा नहीं रख रहे हैं तो शेयरी करे करें या ना करें आप रोज़ा रखें इनशाला आपका रोज़ा वैलिड रहेगा और उसके अंदर ज़रा बराबर भी फर्क नहीं आएगा नफली रोजे में आप कभी भी नियत कर सकते हैं जैसे ने भाई ने सवाल किया नफली रोजे में कभी भी आप नियत कर सकते हैं इसमें नियत का कोई मसला नहीं है कि आपको आ... रात ही में करना है ऐसा कोई मसला नहीं है बल्कि जब चाहे इसको नियत कर सकते हैं बाकी फ़र्ज जो रोज़े हैं रमज़ान के जो रोज़े हैं तो शेयरी से पहले करना होता है या अगर कोई शेयरी नहीं उठ पाता है तो उसे रात में रात में ही कर लेना चाहिए या अगर कोई और ज्यादा उसके लिए मसला है कि पता नहीं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो पहले ही दिन से शुरुआत से कर ले कि हम तीसरे दिन का रोज़ा रखेंगे तो भी ये वैलिड रहेगा माना जाए जी ये जो मुहर्रम के अंदर ये जो होते हैं तो इसका सिलसिला कहां से शुरू है देखें भाई ने सवाल किया है कि मुहर्रम में जो खुराफात होते हैं ना ये सिलसिला त से शुरू हुआ है देखिए यह सिलसिला हरित हुसैन रजील्ला तुम की शादत के बाद से शुरू हुआ है ये तो मैं समझता हूँ हर छोटा बड़ा जानेगा कि मसला वहीं से पैदा हुआ शुरुआत भी वहीं से हुई तो ये सिलसिला बाकायदा उसी वक्त से शुरू हुआ है जब हुसैन की शहादत हुई है उसके बाद से जो मुहर्रम का महीना आया तो फिर वहाँ से यह सिलसिला शुरू हुआ अजत हुसैन एक मुहर्रम में तो शहीद किए गए उसके उसके साथ उसके अगले साल जो मुहर्रम आया उसके बाद से बाकायदा इस तरह की बातें शुरू हुई और हिंदुस्तान के अंदर जो शिया वगैरह पहले हुक्मरा थे और उन्हीं का उन्हीं की बादशाह एक तरह से थी तो उन लोगों ने इस मुल्क के अंदर पूरे जोर शोर के साथ इस तरह का काम शुरू किया है अगर आप इसकी तारीख पढ़ना चाहें तो एक किताब है बारह महीने की बिदात अब्दुल तो खान नेवे की किताबें वो मार्केट में आसानी के साथ मिल सकती है आप उसे देख लें इंशाल्लाह बड़ी तफसील के साथ बातें मिलेंगी चलिए खत्म करते हैं सुभानकल्लाहुम व बिहमदिका अशदुल्ला इला इल्ला अंत अस्तगफुरुक व अतौब व अलैकुमुरहमतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम आप भी हमारे इस काम करें अपनी zakat और sadaqat के लिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेटर्स पर क्लिक करें अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और आपके हज़ार बने रोजाना हमारी वीडियोस को पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें जज़ाकअल्लाह